Hello, Vacho. Let us read the question. The question says The pace setter in the heart is called A. SA node, B. Perkins fiber, C. AV node, D. Papillary muscle. So, the key concept behind this question is the conducting system of a myogenic heart. होता क्या है यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ऐसे नोड है या साइनो एट्रियल नोड है ये क्या करती है इम्पल्स जनरेट करती है ये इम्पल्स इंटर नोडल पाथवे से ट्रेवल होता हुआ कहाँ पहुंचता है एवी नोड में पहुंचता है एवी नोड में पहुंचता है एवी नोड को ही हम सेटर ऑफ हार्ट कहते हैं यह भी इंपल्स जनरेट कर सकता है लेकिन एट अ रेट ऑफ फोर्टी पर मिनट अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव पर मिनट राइट एवी नोट से ट्रेवल करता हुआ यह पहुंचता है हमारा बंडल ऑफ हिल्स या फिर इसी को हम एवी बंडल कहते हैं और फर्दर फिर पुरकिंजे फाइबर इसको पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर तक आपका पहुंचाता है यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि पेस सेटर कौन होता है तो अगर पेस सेटर की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को ही पेस सेटर कहते हैं और इसकी पोजीशन क्या होती है इट इज प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम तो यहाँ पे हमें पेज सेटर के बारे में पूछा जा रहा है सो द फाइनल आंसर विल बी ए वी नोट दैट इज ऑप्शन सी आई होप यू अंडरस्टुड इट वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू